नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। अभी हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के एक नई स्कीम के बारे में, जहां पर अगर आप 1,00,000 रुपए जमा करवाते हैं तो इसको 4 गुना कर दिया जाएगा। तो हम बताएंगे इस वीडियो में क्या है इस स्कीम की पूरी जानकारी, कैसे आप 1,00,000 रुपए जमा करवाएंगे, कितने समय के अंदर ये 4 गुना होगी। तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक जानकारी आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि ये ट्रस्टेड है कि आपको रुपये वापस मिल नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप आगे भी ऐसी ही जानकारियां, नई स्कीम्स, नई योजनाओं से जुड़ी बड़ी खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ नई स्कीम्स, नई योजनाओं की जानकारी भी सबसे पहले देखने को मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ भी जो भी करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, इसलिए शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको इस योजना, इस स्कीम के बारे में एक एक करके सभी की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि डाकघर ट्रस्टेड क्यों है, यानी कि पोस्ट ऑफिस ट्रस्टेड क्यों है। दोस्तों आपको बता दें, ये जो राशि आप जमा कराओगे ये सीधे सीधे केंद्रीय खाते में जाएगी। जी हाँ, जो सेंट्रल है गवर्नमेंट वही इसको हैंडल करने वाली है, जो कह सकते हैं सेंट्रल बैंक है वही इसको हैंडल करने वाली है। तो आप सोच सकते हैं कि सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट बैंक्स कभी बंद नहीं हो सकते। अगर बंद हो भी सकते हैं लेकिन आपका रुपया कहीं पर भी जा नहीं सकता है, क्योंकि वो रुपया सीधा का सीधा गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। चाहे वो कैसे भी पे करे वो उन्हें ही पे करना पड़ता है, और वो पोस्ट ऑफिस को ही पे करना पड़ेगा। और अब आप देखते आ रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस कितने सालों से चलती आ रही, कितनी सदियों से चलती आ रही, हम ये कह सकते हैं। तो आज तक बंद नहीं हुई है, तो आने वाले समय में क्या बंद होगी। तो आपको बता दें इस योजना का फायदा मिल सकता है सभी को जो भी कराना चाहते हैं। तो अभी अगर आपके पास कुछ भी रुपए पड़े हैं, अगर 1-2 लाख रुपए पड़े हैं तो आप इनको इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। कुछ लोग बैंकों में करते हैं तो कुछ सोने के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ये आपके लिए अच्छा मौका है। लेकिन आपको इसके लिए काफ़ी ज़्यादा वेट भी करना पड़ेगा, लेकिन वेट करना आपके लिए काफ़ी बड़ी बात रहेगी, क्योंकि आपको बता दें धीरज का फल हमेशा मीठा ही होता है। तो आपको थोड़ा सब्र तो ज़रूर रखना होगा। तो अभी अगर आप 2 लाख या 1 लाख रुपए जमा कराते हैं, मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो 4 गुना मतलब कि सीधा सीधा 4 लाख हो जाता है। उसके बाद 4.5 लाख रुपए आपको मिल जाते हैं, यानी कि 4.5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। अब इसकी अवधि की अगर बात की जाए तो अवधि है 20 साल। अगर आप अभी रुपया यानी कि 2019 के नवंबर में रुपया जमा करवाते हैं तो आप 2039 में आपको 4 लाख और जो 50,000 वो ब्याज के तौर पर ऊपर मिलेंगे, यानी कि 4.5 लाख रुपए मिल जाते हैं अगर आप 1 लाख जमा करवाते हैं। इसी तौर पर अगर 2 लाख देखे जाए तो 9 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। तो आपको बता दें इस योजना के बारे में, इस स्कीम के बारे में, तो राष्ट्रीय बचत पत्र योजना के तहत निकाली जाने वाली यह स्कीम काफ़ी बेहद फायदेमंद है। इसमें अगर आप एक बार एक निश्चित समय के लिए यानी कि 20 साल के लिए अगर आप एक राशि जमा करवाते हैं तो आपको इसके 4 गुना राशि 20 साल पश्चात मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी है, थोड़ा टाइम जरूर ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 20 साल बाद आपको इसकी 4 गुना तो मिलने वाली है। मान लीजिए अगर आप अभी 5 लाख जमा करते हैं तो 40 लाख रुपये प्लस ब्याज दर जो मिलाकर मिलेगी, यानी कि 41 से 42 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हमने बात की थी 10 लाख रुपए के लिए, अब बात कर लेते हैं हम अगर 3 लाख रुपए आप जमा कराते हैं तो 12 लाख और यहाँ पर 12.5 लाख रुपए तक आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये काफ़ी अच्छी स्कीम निकाली गई है पोस्ट ऑफिस द्वारा, भारतीय डाकघर द्वारा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।